सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब जब भी हमें ज़रूरत पड़ी मीडिया की तो सभी मीडिया कर्मचारियों ने हमारा बिल्कुल साथ दिया है। तो आज 9 तारीख जो कि हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ था, आज हमारा पहला दिन है प्रोटेस्ट का। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पुरानी डिमांड है हमारी, और 600 आदमी जो कैजुअल 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट करने की, साथ ही साथ 600 आदमी जो कि कैजुअल फॉर्म फिल हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो 600 आदमी की लिस्ट लगी। साथ ही साथ यूटी की सैलरी, जो कि यूटी आज 3 साल होने पर आ चुके हैं कि यूटी जेएंडके को यूटी बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में जो है वो यूटी की सैलरी लागू नहीं की। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी यूटी की सैलरी दी जाए। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा पहला प्रोटेस्ट है, उसके बाद में हमारा 11 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, फिर 14 को, तो 15 को जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक एक जो मुलाजम है सड़कों पर उतरेगा अगर हमारे डिमांडें पूरी नहीं की जाती। तो मैं अपने शहर निवासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो भी गवर्नमेंट से बात करें, हमारे ऑफिसरों से बात करें, ताकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मसले मिसाल जो हैं जल्द से जल्द हल हो जाएँ। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये आज वो लोग हैं जो सुबह जागने से पहले पूरे शहर को साफ सुथरा करते हैं। तो ये लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है वो गंदगी में जाए या शहर में किसी प्रकार से भी बीमारी फैले। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो उसकी जिम्मेवार जो होंगी गवर्नमेंट होंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होंगे, तो हमारे ऑफिसर होंगे।